हेलो, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सेनरा एडवांस एजुकेशन। टुडे वी विल लर्न एक्सरसाइज नंबर 1.4। 1.3 तक का हमने वर्क कंप्लीट कर लिया है। तो आज की इस वीडियो में क्या सीखेंगे, टू नंबर में कंपेयर करना, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, उन्हें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना, सक्सेसर निकालना मतलब एक आगे वाला नंबर निकालना, प्रीडेसेसर निकालना मतलब एक पहले वाला नंबर फाइंड करना, फाइव डिजिट का ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट नंबर बनाने हम इस तरीके से सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द बॉक्सेस विद ग्रेटर देन स्मॉलेस्ट देन और इक्वल्स टू। फर्स्ट है हमारा, इसमें काउंट करो 1 2 3 4 5 6 डिजिट का नंबर है, 1 2 3 4 5 फाइव डिजिट का है। तो हमने पहले ही पढ़ चुके हैं कि फाइव डिजिट का नंबर छोटा होगा सिक्स डिजिट के नंबर से। तो हमारा ये वाला नंबर बड़ा हो गया और ये छोटा हो गया। बड़े के साइड हमने ऐसे तरीके से मार्क कर देते हैं। नेक्स्ट 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 दोनों में सिक्स डिजिट्स आ रही है। अब क्या करेंगे, लेफ्ट मोस्ट नंबर देख लेंगे, मतलब जो सबसे ज़्यादा लेफ्ट में आ रहा है, सबसे पहले वाला नंबर यह है 5, ये है 8। कौन सा बड़ा है, 8 बड़ा है, तो 8 की तरफ हमने मार्क कर दिया। नेक्स्ट 1 2 3 4 फोर डिजिट का नंबर है ये, 1 2 3 4 5 ये फाइव डिजिट का है, तो ये हमारा बड़ा हो गया। नेक्स्ट 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स इक्वल आ रही है। अब क्या करेंगे, सबसे लेफ्ट वाला ये भी 6 ये भी 6, नेक्स्ट ये 7 ये 7, फिर नेक्स्ट 8 और ये 9, 8 से बड़ा तो हमारा 9 हो गया, तो हमारा ये वाला नंबर बड़ा हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 दोनों 6 डिजिट के नंबर है, लेफ्ट मोस्ट 9 9, नेक्स्ट 6 6, नेक्स्ट 8 8, नेक्स्ट 3 3, नेक्स्ट 4 4, नेक्स्ट 1 1, बिल्कुल सेम है, तो इक्वल्स टू का हम यूज़ कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 दोनों ही 6 डिजिट के नंबर है, सबसे लेफ्ट में 7 और यहाँ 8, तो 8 बड़ा हो गया, तो 8 की तरफ हमने ऐसे मार्क कर दिया। तो इसी तरीके से हमें क्वेश्चन को सोल्व करें। क्वेश्चन नंबर 7 8 9 10 आपको खुद ही सोल्व करना है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर बी, अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में हमें अरेंज करना है। असेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या होता है, पहले सबसे छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, लास्ट में सबसे बड़ा नंबर। क्वेश्चन हमारा ये रहा। अब सबसे पहले क्या करेंगे, हम देख लेते हैं पहले लिखा क्या हुआ है। 7,64,325 ये हो गया हमारा 98,476, ये हो गया 6,78,945 और 37,684। सबसे पहले छोटे नंबर निकाल लें, तो पहले डिजिट को काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 तो सबसे पहले फाइव डिजिट का नंबर आएगा, छोटा वही होगा। अब इन ये दोनों फाइव डिजिट के हैं, ये हो रहा है स्टार्टिंग इसकी 9 से इसकी 3 से, तो 3 वाला छोटा हो गया, तो सबसे पहले ये आ गया 37684। नेक्स्ट नंबर पे ये आ जाएगा 98476। अब एक हमारा 7 से स्टार्ट हो रहा है, एक 6 से हो रहा है, और दोनों ही में ही 6 डिजिट के नंबर है, तो 6 वाला छोटा होगा, तो नेक्स्ट नंबर पे 6 वाला नंबर आ गया ये, और लास्ट में हमारा 764325। तो ये हमारा इसका असेंडिंग ऑर्डर में हमने इन्हें अरेंज कर लिया। ऐसे इसका बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट में हमारा 3,79,067 8,54,326 9,20,672 5,48,372। अब सबसे छोटा नंबर फाइंड करना है, तो सबसे पहले सबसे छोटा देख लेते हैं। सब में डेट तो सेम है, 6 6 आ रही है, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 एंड 1 2 3 4 5 6। तो लेफ्ट में सबसे ज़्यादा 3 8 9 5, तो सबसे पहले स्टार्टिंग 3 वाले से, तो 3 वाला हमारा फर्स्ट नंबर पे आ गया। अब 8 9 और 5 में से सबसे छोटा कौन सा है, 5 वाला, तो नेक्स्ट नंबर पे 5 वाला आ गया। अब 8 और 9 में से छोटा कौन सा है, 8 वाला, नेक्स्ट नंबर पे 8 वाली डिजिट आ गई, 8 वाला नंबर आ गया सॉरी, और लास्ट में 9 वाला नंबर आ गया। तो ये हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या है, कि पहले सबसे बड़ा नंबर, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, और लास्ट में सबसे छोटा नंबर। तो क्वेश्चन हमारा ये रहा, 7,63,789 8,73,456 नेक्स्ट हमारा 2,78,349 4,56,234 सबसे पहले सबसे बड़ा लिखना डिसेंडिंग में। तो देखते ये 7 से स्टार्ट हो रहा है, ये 8 से, ये 2 से, एंड ये 4 से, और सभी 6 डिजिट के नंबर है, तो सबसे बड़ा वाला नंबर हो गया जो 8 से स्टार्ट हो रहा है, तो सबसे पहले ये आ गया 8,73,456। 8 से छोटा कौन सा है इनमें से, 7, तो नेक्स्ट आ गया 7 वाला, 7
463,789। अब 2 और 4, इनमें से बड़ा कौन सा है? 4 वाला, तो नेक्स्ट नंबर पे 4 वाला आ गया, 456,234। और लास्ट में सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 278,349। नेक्स्ट बी पार्ट देखते हैं इसका, सेकंड, ये हमारा 5,09,627, 3,06,782, 45,238, 9,06,238। सबसे बड़ा देखना है। अब एक बात तो मैं ध्यान समझ में यहाँ पे आ गई कि 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 डिजिट का नंबर है, बाकी सब 6 डिजिट के, तो सबसे छोटा ये होगा और सबसे लास्ट में ये आ जाएगा। जो सबसे छोटा वो लास्ट में आ जाता है डिसेंडिंग में, सबसे पहले कौन सा आता है? सबसे बड़ा। अब ये हो रहा है 5 से स्टार्ट, ये 3 से और ये 9 से, तो 9 वाला सबसे बड़ा हो गया, तो हमारा 9,06,238 सबसे बड़ा हो गया, सबसे पहले आ गया। अब है एक 5 लाख वाला, एक 3 लाख वाला, बड़ा कौन सा है? 5 वाला, तो नेक्स्ट नंबर पे आ गया हमारा 5 लाख वाला नंबर, फिर नेक्स्ट पे आ गया हमारा 3 लाख वाला, और लास्ट में हमारा ये तो है ही। तो इसी तरीके से हमें असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने हैं। क्वेश्चन नंबर डी है, राइट द सक्सेसर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। सक्सेसर मतलब तुरंत बाद, जैसे 7 के तुरंत बाद क्या आता है? 8। जस्ट नेक्स्ट नंबर, जैसे हम पूछ ले कि 7 का सक्सेसर बताओ, तो 7 का सक्सेसर का मतलब है 7 के जस्ट नेक्स्ट नंबर आता है 8, तो 8 हमारा सक्सेसर हो गया। अगर हम प्रेडिसेसर पूछ ले कि 7 का प्रेडिसेसर बताओ, तो जस्ट पहले, तो 7 से जस्ट पहले क्या आता है? 6, तो ये हमारा इसका प्रेडिसेसर हो गया। अब इसी तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर डी को और क्वेश्चन नंबर ई को। क्वेश्चन नंबर डी में सक्सेसर बताने मतलब तुरंत बाद वाला, 98,621। देखो सक्सेसर में क्या होता है, लास्ट के 2 नंबर्स देख लिया करो, लास्ट के 2 नंबर से हमारे यहाँ पे 21 आ रहे हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम लास्ट के 2 नंबर से काम हो जाता है, लेकिन जब लास्ट में 99 आ गया तो हमें लास्ट के 3 नंबर्स देख लेंगे, ठीक है। लास्ट में 9, अगर लास्ट में 99 आ जाए तो 3 नंबर, 9,999 आ जाए, तो इस तरीके से हम नंबर बढ़ाते रहेंगे। लेकिन जब लास्ट में 9 नहीं है, या तो लास्ट में 9 ना हो, या फिर जो है अगर 2 9 है एक साथ, तो 3 नंबर्स देख लेंगे एक साथ, ठीक है। और अगर 3 होते लास्ट में, 3 9 होते एक साथ, तो 4 नंबर्स देख लेते। अब यहाँ पे तो कोई 9 है ही नहीं, तो लास्ट के नंबर भी देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 है, तो 1 से जस्ट बाद, 1 के जस्ट नेक्स्ट नंबर क्या होता है? 2। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा, कैसे गिरा? 98,621, 21 में 1 ऐड कर देंगे, 22। वैसे हमें ये लिखने की ज़रूरत है नहीं, लेकिन फिर भी सक्सेसर निकालना, तो हम ऐड 1 करते हैं, ठीक है। तो 21 के जस्ट बाद 22, तो 98,622, 1 का क्या हो गया हमारा? 2। ऐसे ही 99 अगर लास्ट में आता है, तो इसे 99 रीड कर लो, 99 के जस्ट बाद क्या आता है? 100, तो 913 ऐसे ही आ जाएगा, और 100, 913 100, चाहो तो आप ऐड करके देख सकते हो अगर आपको ऐसे समझ में ना आए। अब क्वेश्चन नंबर ई में सक्सेसर प्रेडिसेसर निकालना मतलब एक पहले वाला नंबर निकालना है, तो 6 में से 1 माइनस कर लेंगे, 6 में से 1 माइनस करेंगे तो लास्ट में क्या हो जाएगा? 5, 4180 हमारा एज इट इज़ आ जाएगा, तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। चाहो तो आप 41,806 में से 1 माइनस करके भी देख सकते हो, तब भी आंसर हमारा यही आना है। अब ये हो गया हमारा 8 लाख, 8 लाख में से 1 माइनस कर लेंगे हम, 799,999 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर, इसी तरीके से हम इन सब क्वेश्चंस को सोल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर डी और ई हो गया, क्वेश्चन नंबर एफ देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर एफ में कह रहा है, राइट एनी 3 5 डिजिट नंबर्स यूजिंग ईच ऑफ द फॉलोइंग डिजिट्स एंड ओनली वंस। एक डिजिट का एक ही बार यूज़ करना है, और 5 डिजिट के नंबर बताने हैं हमें, और जो है 3 नंबर्स बताने हैं, 5 डिजिट के 3 नंबर्स बताने हैं। तो क्या करेंगे? पहले सबसे बड़ा नंबर ले लो, 98,640, 1 हो गया। नेक्स्ट ले लो 84960, कोई से भी नंबर ले लो, कोई से भी आगे पीछे, बस ध्यान रखना 0 से हम स्टार्टिंग नहीं करेंगे, ठीक है। और थर्ड नंबर पे ले लो 69480, कोई भी आप 3 नंबर्स आगे पीछे लिख सकते हो। एक नंबर मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी आपको अपने आप ही करने हैं। एक नंबर हमारा हो गया कि 98,640, इस तरीके से आपको 2 नंबर और अपने आप फाइंड कर लेना। नेक्स्ट हमारा जी, राइट द प्रेडिसेसर ऑफ द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। स्मॉलेस्ट 5 डिजिट का नंबर क्या होता है? जब भी स्मॉलेस्ट नंबर है तो 1 और 0 से स्टार्ट होगा, वो 1, उसके बाद 4 0 हो जाएगी, तो 5 डिजिट का नंबर हो जाएगा।
और पी डी सी सर बताना है इसका, तो माइनस वन कर देंगे, 1, 2, 3, 4, 5, ये तो 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर हो गया 10,000, और 10,000 में से 1 माइनस करेंगे तो 9,999 हमारा आंसर। अब ये कह रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर एच देखते हैं, इसमें कह रहे हैं राइट द सक्सेसर ऑफ द फोर सक्सेसर ऑफ द ग्रेटेस्ट फोर डिजिट नंबर। ग्रेटेस्ट फोर डिजिट का नंबर क्या होता है हमारा 9999, 4 बार 9 आना चाहिए तभी तो ग्रेटेस्ट होगा, 9999, इसमें हमें 1 ऐड कर लेंगे, 9999 में 1 ऐड करेंगे 10,000 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। ऐसे ही नेक्स्ट देख लेते हैं, आई राइट द नंबर विच इज मोर विच इज़ 1 मोर देन 1 लाख, 1 लाख से 1 फालतू, 1 लाख से 1 ज़्यादा, तो कैसे करेंगे इसे भी, 1 लाख 1 ही होगा, 1 लाख से 1 एक्स्ट्रा तो 1 लाख 1 होगा, तो पहले लिख लेंगे 1 लाख और 1 ऐड कर देंगे तो 1 लाख 1 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। 1 लाख कैसे लिखते हैं, 1, 10, 100, 1000, 10,000 लाख, ये हमारा हो गया 1 लाख, इसमें 1 ऐड कर लेंगे तो 1 लाख 1 लास्ट में क्या आ जाएगा 1। तो क्वेश्चन नंबर आई कंप्लीट, और क्वेश्चन नंबर आई के बाद क्वेश्चन नंबर जे ये आपको अपने यहाँ पे करने हैं, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर अभी हमने पीछे करे हैं, तो इसी में ही हम एक बार असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे इसे को, और एक बार डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे। और आज के इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, और आपको किसी क्वेश्चन में डाउट हो या कुछ पूछना हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।